ये सबसे पहले आपके पास इसका यूज़र मैनुअल है, सारा चाइनीज़ में, ये देख सकते हैं आप, टोटली चाइनीज़ में। आपको पढ़ने में तो कोई समझ नहीं लगेगी, वैसे अगर आप कुछ इंग्लिश में भी है यार, ये देखिए इस तरफ आपको इंग्लिश में मिल जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसके बाद ये आपको मिलेगा वारंटी कार्ड, इसका मेरा ना मैक्सिमम साल की तो वारंटी होती है हर चीज़ के साथ। उसके बाद ये देख सकते हैं आपका, सबसे पहले ये माइक है, कितना खूबसूरत सा ये देखिए इसका मटेरियल है, फॉर्म है, ये तो बहुत ही नरम है। उसके बाद ये देखिए इसका जो माइक है ना, ये यानी ऐसे लगता है कि मेटल है, ये मेटल का बना हुआ है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है, बोया BYMM1 की ब्रांडिंग हुई है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद ये हेडफोन जैक है, इसके बाद इसकी ये केबल है, ये देख सकते हैं आप कितनी फ्लेक्सिबल है, और काफ़ी अच्छा मटेरियल केबल के अंदर इस्तेमाल किया गया है। और इनकी ख़ास बात एक ये है कि इनके माइक एक तो चीप और सस्ते होते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। तो उसके बाद इसकी दूसरी केबल है, जो इनके ऊपर मेंशन भी किया है कि इसके ऊपर आप माइक के साथ लगा सकते हैं अपना स्मार्टफोन, ये देखिए ऊपर लिखा भी है स्मार्टफोन्स, तो आप इसको स्मार्टफोन और हेड यानी माइक के साथ लगा सकते हैं। उसके बाद ये इसका ऊपर जो बॉल हेड है जिसको आप कनेक्ट करके ट्राईपॉड वगैरह के साथ अटैच कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा मटेरियल है यार। मैं तकरीबन बोया के काफ़ी माइक इस्तेमाल कर चुका हूँ। उसके बाद सीका जेल है, ये देखें, ये इसको आपने खाना नहीं है, जहर है ये, आपकी जो प्रोडक्ट है इसको सेफ़ रखती है। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, इसका पाउच है, और पाउच भी काफ़ी बड़ा है और अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, इसकी बदौलत ही आपका जो माइक है ना सेफ़ रहता है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मुझे तो इनकी चीज़ बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद आप इसको साइड पे करते हैं, ये देखें जी सर, फिर हम माइक की तरफ आ जाते हैं। माइक बेसिकली इसके ऊपर कुशन लगा हुआ है जिसको कहते हैं, जो हवा को क्रॉस नहीं होने देता, और आवाज़ नॉइस कैंसिलेशन जिसे कहते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं आप ऊपर, ये देखिए इसके बिल्कुल नीचे, ये जैसा कि मैंने आपको बताया ये दो केबल्स हैं, तो अब हम इसको कनेक्ट करेंगे मोबाइल फ़ोन के साथ लगाना है। तो ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है इसका साइन, इसके साथ हमने कनेक्ट करना है माइक्रोफोन के साथ, और ये मोबाइल के साथ केबल लगाएंगे। तो अब इसको हम मोबाइल के साथ भी कनेक्ट करके देख लेते हैं कि वाकई ये मोबाइल के साथ भी क्वालिटी अच्छी देता है कि नहीं, तो चलो देख लेते हैं। वैसे भी ये जो है ना आपको देगा क्वालिटी बहुत अच्छी, ये देखिए कनेक्ट हो गया, ये साइन आपको शायद वाजिया भी हो रहा हो, ये नज़र आ गया। तो अभी हम अपना वैसे ही चेक करने के लिए माइक्रोफोन ऑन कर लेते हैं, इसका रिकॉर्डर जिसे कहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं, और उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रखिएगा। ये हमने इसको चेक कर लिया, तो अब हम इसको चेक करते हैं चला के। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं, और उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रखिएगा। माशाल्लाह क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है ये माइक, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको बाय कर सकते हैं, और एक तो ये ओरिजिनल प्रोडक्ट बाय कीजिएगा कहीं का, तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वेबसाइट का, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। वैसे मैं लिंक नहीं दूँगा क्योंकि मुझे पिछली दफ़ा भी क्लेम आ चुका है चैनल में, तो इसी वजह से मैं बहुत ही एहतियात कर रहा हूँ अपनी चैनल पर। तो अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई है, बैकग्राउंड को पहले तो इग्नोर कीजिएगा, बैकग्राउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो मैंने कहा चलो यार घर पे नीचे सारे बैठे हुए थे तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, मैं अपने कमरे के अंदर शूट कर रहा हूँ। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।